हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पेपर हो रहा था, इनफैक्ट अभी हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। टोटल प्रिंटेड पेजेस इसमें 16 है, राइट। यूनिक पेपर कोड यहाँ मेंशन किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 का था। ये ड्यूरेशन 3 आवर्स थी और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, बट वो पुराना पैटर्न था, पुराना सिलेबस था, वो देखने का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है जो बिल्कुल पहली बार हुआ है UGCF के अकॉर्डिंगली। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है आप लोगों का जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक एक पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ही आपकी NEP 2022 स्टार्ट हुई है उसका एक एक पेपर मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। वो बेसिकली DU के लिए है। NCVAP के हो, रेगुलर के हो, सोल के हो, हर एक बच्चा उस वीडियो को जाके देख सकता है और आने वाला बच्चा भी उसको देखे और इसकी प्रैक्टिस करे ताकि वो आगे इम्प्रूव कर सके, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ कैंडिडेट के लिए जो मैं डिस्कस करूंगी। राइट योर रोल नंबर। रोल नंबर आपको यहाँ ऊपर मेंशन करना है, करना चाहो तो कर सकते हो। इस बच्चे ने नहीं किया है। आपको अटेम्प्ट करने हैं ऑल क्वेश्चंस, कोई भी नो इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 5। ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। या तो आपका पेपर इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, मीडियम सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, जो भी बच्चे इसको हिंदी में करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन करें तो आप कोशिश यही करें कि आप इंग्लिश में दें ताकि आप लोगों को आगे जब MNCs या अच्छी अच्छी कंपनीज में या बिजनेस में डीलिंग करनी होगी तो आपको ये सारे वर्ड्स काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आया था। बेसिकली इसमें कुछ आप लोगों को मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी, मेन मेन टॉपिक्स बताऊंगी और आप इन टॉपिक को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उससे भी रिलेट करके चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, डेफिनेटली आए हैं। और मैं टॉपिक्स जो देती हूँ मोस्टली आते हैं, अगर वो कर लिया है तो हो जाएगा काम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप लोगों को यहाँ से पूछा गया था कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ HRM पूछा गया है, ठीक है। पहले डिफाइन दे देते हैं, उसके बाद वो चीज़ें मैंने पूछते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया, तो ये भी आपका 9 नंबर का था। मतलब जिस बच्चे ने पूरा पूरा पॉइंट लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है। पेजेस ठीक है, काउंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके वाटर में अगर बिल्कुल जान है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो डेफिनेटली आप 18 नंबर में से 16 तो 17 तो ले ही लोगे। ये हिंदी में एंड और चॉइस में आपको मिला है, या तो आप लोग ये अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये नहीं आते इनमें से तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। वट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल HR मैनेजर, कि जो हमारे HR मैनेजर होते हैं उनको कौन कौन सी क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है एक सक्सेसफुल HR मैनेजर बनने के लिए, वो भी 9 नंबर का था। प्लेसमेंट पूछा गया, प्लेसमेंट और इंडक्शन पूछा गया, वो भी 9 नंबर का। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रोसेस ऑफ HR प्लानिंग ब्रिंगिंग आउट क्लियरली इट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, 9 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड बी पार्ट जो है आपका वो है जॉब एनालिसिस इज द मोस्ट बेसिक पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शंस, उसके ऊपर कमेंट करना था। और ये भी आपका 9 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि ये टोटल 18 नंबर के थे, मतलब सेकंड क्वेश्चन। और उसमें फिर चॉइस भी मिली है, या तो इंटरव्यू के बारे में आपको बताने, वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यू कौन से हैं, और साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ द इम्प्लॉय, यानी कि जो हमारे सिलेक्शन ऑफ इम्प्लॉयज में जो इंटरव्यू के जो टाइप्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर का, राइट। ये बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इसको आप इग्नोर कीजिए। और बी पार्ट जो है आपका, मतलब जो अगला वाला पार्ट है वो आपका है डिस्कस ऑफ द जॉब मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक में बताया था कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे करके गए थे डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा, उनको मार्क्स आ जाएगा जब अभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि अभी सिर्फ सेमेस्टर 1 का हुआ है। और जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनके लिए तो पहले से ही सारा मटेरियल रेडी हो रहा है, इनफैक्ट नोट्स भी रेडी हो रहे हैं। जो सेमेस्टर 1 के अभी स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको हर एक चीज मिल जाएगी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कैरियर प्लानिंग पे थी और उसके रोल्स वगैरह पूछे गए। और बी पार्ट में आप लोगों से यहाँ पर मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये भी मैंने बोला था PA यानी परफॉर्मेंस अप्राइजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी आपसे पूछा गया है। एंड उसके बाद चॉइस मिली थी 360 डिग्री, ये भी मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, ये भी मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, 9 नंबर का आया। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताना था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था, व्हाट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग, क्या होती है, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। एंड बी पार्ट में HRIS, ये भी बताया था, और उसके फंक्शंस वगैरह भी सब बताए थे। और चॉइस में यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, और सिग्निफिकेंस वगैरह बताने थे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोग हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। उसके बाद डी पार्ट आता है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन करंट टाइम, राइट। तो ये करंट टाइम का पूछा गया क्वेश्चन था। एंड 5th पार्ट आपका केस स्टडी पे था। केस स्टडी कोई भी आ सकती है, बट मैं यही बोलूंगी कि अगर फुल स्कोर करना चाहते हो
बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वन शॉट देखनी है और जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वो देखनी है, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आपको HRM के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप कौन सी बुक ले सकते हैं जहां से आपकी केस स्टडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाए। तो केस स्टडी आई थी, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट की होगी उन्हें मार्क्स डेफिनेटली मिले होंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड ये कुछ पार्ट्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग था एंड बी पार्ट में आपको कुछ यहाँ पर टू फॉर्म लिखना था, मतलब HR ऑडिट के बारे में, EHRM ये सारे के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपको खुद का चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।